दोस्तों 2020 की बोर्ड परीक्षा तक जो आपका प्रश्न संख्या 14 रहता था हिंदी के पेपर में, वह पूछता था पत्र लेखन। लेकिन 2021 के बोर्ड परीक्षा में ऐसा नहीं होगा। 2021 के बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हिंदी के पेपर में आपको 2021 के बोर्ड परीक्षा में किस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या पेपर में बदलाव हुआ है, इस वीडियो में डिटेल्स बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। अगर आप क्लास टेंथ में हो, क्लास ट्वेल्थ में हो, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो आपका क्लास 12 का पेपर होगा 2021 के बोर्ड एग्जाम में, इसमें आपका पत्र लेखन नहीं आएगा क्लास 12th में। और क्लास 10th में क्या बदलाव हुआ ये भी मैं बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखना। सबसे पहले आपका 5-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो गद्य पद से रहेगा। इसके लिए यूपी बोर्ड द्वारा 2021 में आपके लिए गद्य के लिए टोटल 100 क्वेश्चन जारी किए हैं, जिसका मैंने वीडियो बनाया था। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इन 100 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन हल कर चुके हैं। और जो आपका यहां पर देखिए टोटल 100 क्वेश्चन गद्य से जारी किया गया था, वहीं प्रश्न संख्या 2 रहेगा ये पद्य से रहेगा। इसके लिए आपको 95 क्वेश्चन दिए गए थे जो आपको करने थे, ठीक है। और ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें से आप 90 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो 5-5 नंबर का आपका गद्य पद से क्वेश्चन रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। प्रश्न संख्या जो 3 रहेगा उसमें पूछता है निम्नलिखित गदांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको कोई ऐसा गदांश दिया रहेगा और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा रहेगा, जैसे कि प्रस्तुत गदांश के पाठ एवं लेखक के नाम या फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये दो दो नंबर के आपके टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे जो टोटल आपके 10 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 4 जो आपका आता है वह रहेगा निम्नलिखित पदांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी आपको एक पदांश दिया रहेगा फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ये भी आपका दो दो नंबर का 5 क्वेश्चन यानी 10 नंबर का ये भी रहेगा, जिसे पूछा जाएगा प्रस्तुत पदांश के पाठ एवं कवि के नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस टाइप से आपको टोटल 5 क्वेश्चन दो दो नंबर के पूछे जाएंगे जो 10 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। फिर जो आपको प्रश्न संख्या 5 आएगा वह काफी इंपॉर्टेंट है, और ये देख लीजिए आपको मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर आपको टोटल प्रैक्टिस करने के लिए पदांश के कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 23 क्वेश्चन। अगर आप ये तैयार कर लेते हो तो ये बहुत आराम से इसमें से एक आ जाएगा। अब जो प्रश्न संख्या 5 रहेगा वह रहेगा निम्नलिखित लेखकों का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डाले। यानी आपको जीवन परिचय लिखना रहेगा और उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना रहेगा, क्लियर है आपको। यहाँ पर क में टोटल 8 जीवन परिचय लिखने के लिए दिया और ख में आपको टोटल 8। यानी आपको इस तरीके से अगर आप इस जितने दिए इसी को तैयार कर लेते हो तो आपको 2021 में इतना इनफ, इसमें से एक राइटर का जरूर फंस जाएगा, लेखक का। फिर जो प्रश्न संख्या 6 रहेगा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यह आपका रहेगा कहानी से, कि कहानी हर जिले में अलग अलग रहता है, तो अपने जिले का कहानी कौन सा है वह आप अपने मॉडल पेपर में देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका कहानी से रहेगा, जो भी आपके कहानी में रहेगा, ठीक है। फिर 5-7 क्वेश्चन जो आएगा वह रहेगा खंडकाव से, ये भी हर जिले का अलग अलग खंडकाव रहता है, तो जो भी अथवा करके दिया रहता है, ठीक है। यानी आपको खंडकाव में कई सारे क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपके जिले में जो खंडकाव रहेगा सिर्फ आपको उसी को करना है। जो प्रश्न संख्या 8 रहेगा वो खंड ख शुरू हो जाएगा, ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे वह खंड क के थे, अब जो क्वेश्चन आएगा वो खंड ख से रहेगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें से रहेगा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहेगा, ठीक है। और इसमें से आपको सबसे पहले संदर्भ के दो मार्क्स मिलेंगे, फिर उसके संस्कृत के संदर्भ, फिर अनुवाद आपको करना रहेगा, ठीक है। तो दो नंबर आपके टोटल रहेंगे संदर्भ पे और 5 नंबर आपके रहेंगे अनुवाद पे, यानी ये आपका 7 मार्क्स का आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये रहेगा गदान से और एक आता है आपके पदान से। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ 8वां का ख जो रहेगा वह पदान से, निम्नलिखित संस्कृत पदांशों का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह भी जो संदर्भ लिखने के लिए आएगा 2 मार्क्स का और अनुवाद करने के लिए आपको 5 मार्क्स, यानी ये टोटल आपके 14 मार्क्स करेंगे, ठीक है। जो प्रश्न संख्या 9 रहेगा वह रहेगा निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लिखिए, आपको जो संस्कृत का क्वेश्चन आंसर आता है वह रहेगा, आपको इसको आंसर लिखना रहेगा, ठीक है, प्रश्न संख्या 9। और यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर संस्कृत में अनुवाद करने के जितने क्वेश्चन है वो टोटल आपको 65 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, इतना ही आपको तैयार करना, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 10 जो आएगा वहां से ग्रामर सेक्शन शुरू हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 में जो क रहेगा निम्नलिखित रस की परिभाषा लिखिए और उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। यानी आपको कोई एक रस या दो रस के परिभाषा लिखने रहेगा, उसका उदाहरण लिखने रहेगा। फिर प्रश्न संख्या 10 में जो ख रहेगा वह रहेगा अलंकार और उसकी परिभाषा लिखना, ठीक है। फिर उसी में रहेगा आपका छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। फिर प्रश्न संख्या 11 जो रहेगा वह रहेगा निम्नलिखित विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, ठीक है। आपका निबंध तो इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगा लेकिन पत्र लेखन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इस मॉडल पेपर में नहीं दिया गया, तो आपको निबंध लिखना रहेगा। फिर आपको
आपको दिया रहेगा प्रश्न संख्या 12, संधि विच्छेद करना होगा, ठीक है। फिर यहीं पर आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा प्रश्न संख्या 12 का ख, इसमें आपको समास बताना रहेगा। फिर आपको जो 12 का ग दिया रहेगा, 13 नंबर का क, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प को सही चुनकर लिखे, ठीक है। आपको आपको ऑप्शन द्वारा क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसका आपको सही ऑप्शन चूज करके आपको लिखना रहेगा, ठीक है। फिर जो प्रश्न संख्या 13 का ग आपको प्रत्यय पूछेगा और उपसर्ग पूछेगा, और प्रश्न संख्या 13 का घ पूछेगा निम्नलिखित रेखांकित पदों में प्रयुक्त विभक्तियों के सूत्र बताइए, ठीक है। विभक्तियों के सूत्र बताना। प्रश्न संख्या 14 आपसे पूछेगा निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आपका इसको डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ लिंक में आपको दे देता हूं। आप सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कीजिए, जो गद्य पद से आपके क्वेश्चन आते हैं। इसमें से गद्य और पद से आपके 100 क्वेश्चन गद से दिए गए, 95 क्वेश्चन पद से, तो आपको 190 क्वेश्चन है। अगर 20-20 क्वेश्चन एक वीडियो में आता है तो 10 वीडियो में ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे गदांश पदांश, तो एक एक टॉपिक को मैं क्लियर करते चलूंगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। अगर आप क्लास 10th या क्लास 12th का, तो इसका जो मॉडल पेपर हिंदी का जारी हुआ है वह डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ लिंक दे दूंगा। और जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप टॉप 100 में ज्वाइन करते हैं तो इस तरीके से आपको कंप्लीट सब्जेक्ट का सॉल्यूशन, हर सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स, वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस सेट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बैच में डालता रहता हूं। तो अगर आपको इस बैच में ज्वाइन करना है जिसमें आपको कंप्लीट तैयारी सभी विषय करना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 70 84 81 7009 पर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें आपका टॉप 100 बैच ज्वाइन करना है जिसमें आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और इसका मैं आपको जो ये क्वेश्चन बताया, आपको 20-20 क्वेश्चन हर वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।